अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन शवारमा। तो इसके लिए हमने यहाँ 200 ग्राम चिकन लिया है और बोनलेस चिकन है। इसके इस तरह के पतले पतले पीस कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ दही लिया है, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार या आधी छोटी चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम चिकन को मेरीनेट कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम दही, नींबू का रस, अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये सारे सूखे मसाले। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर, और इसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चिकन अच्छी तरह मेरीनेट हो गया है। तो एक पैन में हम 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और इसमें डाल देंगे ये चिकन और इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो चिकन यहाँ पर अच्छी तरह भून गया है और ये इसका पानी भी इसका पूरा सूख चुका है, गल गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए ये अच्छी तरह गल गया है। ये आधा कप पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज की प्याज और आधी शिमला मिर्च, इन्हें हमने लंबे लंबे पीसों में इस तरह काट लिया है। अब ये हम ये चिकन में डाल देंगे और गैस को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे और फुल पर रख कर ही हम इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पर पकाने के बाद में अब यहाँ पर गैस को कर देंगे हम बंद और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ ये चिकन की फिलिंग भी तैयार है और पीटा ब्रेड भी तैयार है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ हमने टोमेटो सॉस लिया है और मेयोनीज ली है, तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, पीटा ब्रेड और इस पर ये सॉस हम लगा लेंगे। सॉस आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा लें, कम ज़्यादा कर लें। बहुत सौ को ज़्यादा पसंद है और बहुत सौ को कम पसंद होता है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे लगा लें। तो यहाँ हमने मेयोनीज और सॉस दोनों को मिलाकर यहाँ लगा लिया है। तो अब डालेंगे हम यहाँ चिकन, तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लिया। अब इसे हम करेंगे रैप। तो यहाँ ये 2 शवारमा बनकर तैयार है। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये शवारमा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।